तो स्टेट बैंक ने एक नए नियम अपने इंट्रोड्यूस करे हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, और इसमें कई सारे चार्जेस बढ़ने वाले हैं। मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, कैश के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके चार्जेस बढ़ने वाले हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है इस वीडियो में। और ये सब कावियाद है कैशलेस ट्रांजैक्शंस बढ़ाने के लिए, ताकि लोग कैश में डील ही ना करें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है 1 अप्रैल 2016 से। तो चार चीज़ें हम कवर करेंगे, मेनली कैश डिपॉजिट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसमें क्या चार्जेस आने वाले हैं। नंबर 2, कैश विड्रॉल पे क्या चार्जेस आने वाले हैं। नंबर 3, मिनिमम बैलेंस जो अकाउंट पर रखना है उसमें क्या आने वाला है। और नंबर 4, जो SMS आते हैं बैंक से उस पर क्या चार्जेस आने वाले हैं। तो ये सब कुछ स्टेट बैंक इम्प्लीमेंट करने वाला है, चेंज करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। तो अब कैश डिपॉजिट में क्या होने वाला है, जो सेविंग्स अकाउंट वाले हैं उन लोगों को जब आप बैंक की ब्रांच में जा करके डिपॉजिट करते हैं तो 3 डिपॉजिट तक आप फ्री कर सकते हैं। मतलब 3 डिपॉजिट कितने भी रुपए के हों आप फ्री में कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 4th डिपॉजिट करेंगे तो 50 रुपये पर डिपॉजिट आपको बैंक चार्ज करेगा और आपके अकाउंट से काट लेगा। तो ये एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस करा है, और ये सिर्फ ब्रांच ट्रांजेक्शन पर हैं। अगर आप पैसा जो डिपॉजिट मशीन्स होती हैं वहाँ पर जमा करते हैं तो कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, चाहे आप कितनी बार पैसा जमा करें। करंट अकाउंट में ज़्यादा डिटेल्स अभी बाहर नहीं आई हैं, सेविंग्स अकाउंट की डिटेल बाहर आई है। करंट अकाउंट में ऐसा बोला जा रहा है कि अप टू 20,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन चार्जेस स्टेट बैंक लगाएगा। वो डिपेंड करते हैं अकाउंट के साइज़ पर, कितने सारे ट्रांजेक्शन पर महीने पर हो रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस पर अभी नहीं दी हुई है। दूसरी चीज़ पाते हैं कैश विड्रॉल पर, और कैश विड्रॉल पर अगर आप ATM से विड्रॉल करते हैं तो कुछ चार्जेस अब लगने वाले हैं। तो स्टेट बैंक के ही अगर आप ATM से विड्रॉल कर रहे हैं तो अप टू 5 विड्रॉल आपके फ्री होंगे, मतलब 5 बार आप फ्री में विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन 5 से 6 जैसी 6ठी बार आप विड्रॉ करेंगे तो 10 रुपये पर विड्रॉल आपको स्टेट बैंक के ATM पे चार्ज होगा। और अगर आप non-SBI ATM से विड्रॉल करते हैं तो 3 विड्रॉल आपके फ्री रहेंगे और उसके बाद 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्ज होगा। अब इसमें कैच है कि अगर आप 25,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में बनाए रखते हैं तो पहला जो केस है वहाँ पर स्टेट बैंक के ATM से कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं बिना कोई चार्ज किए हुए। और अगर आप 1,00,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस बना के रखते हैं तो किसी भी ATM से आप कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हैं। तो ये है कैश विड्रॉल के ऊपर। इसमें ब्रांच में जाकर आप जब कैश विड्रॉल करते हैं उसके बारे में कुछ स्टेट बैंक ने अभी क्लियर नहीं बताया है, उम्मीद करते हैं कि उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आने वाले कुछ दिनों में बाहर आएगी। तीसरी चीज़ मिनिमम बैलेंस, और ये सबसे बड़ा झटका लगा है क्योंकि वर्ष 2012 में स्टेट बैंक ने मिनिमम बैलेंस का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया था। आपको कोई मिनिमम बैलेंस उनके सेविंग अकाउंट में नहीं रखना था, बट उन्होंने ये मिनिमम बैलेंस का कॉन्सेप्ट वापस लेके आए हैं। और अब मेट्रो सिटीज़ जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता पे 5,000 रुपये तक का मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। जो छोटे शहर हैं जैसे कि आपका लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ पर 3,000 रुपये का बैलेंस आपको रखना पड़ेगा मिनिमम। सेमी अर्बन एरिया जो हैं, जो थोड़े से गांव और टाउन के बीच जो ब्रांचेज आती हैं, वहाँ पर 2,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस और गांव में 1,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस। ये बात ध्यान रखिए, ये डिपेंड नहीं करता आप कहाँ रहते हैं, जबकि ये डिपेंड करता है आपकी ब्रांच किस जगह लोकेटेड है। अगर आपकी ब्रांच इनमें किसी एरिया पर लोकेटेड है तो उस हिसाब से आपको मिनिमम बैलेंस रखना है। अब इसमें क्या है, अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो एक अलग अलग लेवल के फ़ाइन है, लेकिन मिनिमम 0 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का फ़ाइन का एक रेंज है। तो मैक्सिमम फ़ाइन जो है 100 रुपये पड़ सकता है, लेकिन 100 रुपये के साथ साथ कुछ सर्विस टैक्स भी पड़ेगा, इतना आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं। आखिरी चीज़, जब आप ATM से पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो आपको एक SMS आता है, तो वो SMS का जो है उसका भी अब चार्ज लिया जाएगा और वो होगा 15 रुपये हर 3 महीना। तो 15 रुपये हर 3 महीने का चार्ज लिया जाएगा और ये चार्ज भी वेव ऑफ कर सकते हैं अगर आप 25,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, ये जो 4 मेजर चेंजेस हैं SBI ने अभी करे हैं, देखना है बाकी बैंक इसके अगेंस्ट क्या करते हैं। देखिए, मिनिमम बैलेंस तो सारे बैंकों में ऑलरेडी एज अ कंसेप्ट है, मतलब ICICI बैंक और इस तरह जो प्राइवेट बैंक है तो 10,000 रुपये तक का मेट्रो सिटीज़ में मिनिमम बैलेंस मांगते हैं। लेकिन देखना कि बाकी सारी चीज़ें, ATM के चार्जेस, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल के चार्जेस, क्या ये सब भी बाकी बैंक लेके आएंगे और क्या पूरा बैंकिंग सेक्टर कैशलेस होने की तरफ को अग्रसर होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी ऐसे कोई वीडियो बनाऊँ आपको आसानी से पता चल जाए।